दिया। आज पूरे देश के अंदर ये हरियाणा के अंदर हरियाणा की मिसाल है। एनएचएम के पूरे हिंदुस्तान में जो एनएचएम के कर्मचारियों को जो लाभ भारतीय मजदूर संघ ने दिलवाने का काम किया, पूरे देश में कहीं भी इस तरह की योजना नहीं। आप सभी साथी यहाँ पहुंचे हैं किसी भी बात के लिए, पूरी टीम आपके साथ खड़ी है और अभी आपके बीच में से ही जल्द से जल्द नई कार्यकारिणी का गठन करेंगे ताकि आपकी लड़ाई को आज ये जो एनएचएम के साथी खड़े हमारे साथ, हमारे जिला अध्यक्ष और प्रदेश के प्रचार सचिव विजय बाली जी है, ये बता सकते हैं। सरकार ने तो एनएचएम के जो कर्मचारी हैं उनको ही पक्का नहीं करा था, उनको पक्का कराने का काम भी भारतीय मजदूर संघ ने करा है साथियों। उनका जो सर्विस बता दीजिए। मेरा नाम मधु है और मैं सिविल हॉस्पिटल सेक्टर में क्लास 4 की उस पोस्ट पे हूँ। आज जो अभी सीएमओ ऑफिस आया है, क्या मामला है? सुबह से अपने सिविल हॉस्पिटल धरना पर हमारा नया कॉन्ट्रैक्टर आया था, उसने हमसे 200 रुपये फॉर्म के लिए थे और हमको ये बोला गया था कि हम आपको नौकरी पे तब रखेंगे जब आप हमको 10,000 रुपये कैश, 1 महीने की सैलरी और 3 कैंसिल चेक प्लस 2 ब्लैंक चेक दोगे, जिसके हम हित में नहीं हैं तो हम नहीं देंगे। और हम 8-10 साल हो गए मैं यहाँ पे जॉब करते हुए, तो हम उसका विरोध करने सीएमओ सर के पास आए थे। तो सीएमओ सर ने हमें आश्वासन दिया कि आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, ठीक है, किसी की नौकरी भी नहीं जाएगी। अगर नौकरी जाएगी तो हम सीएमओ सर से फिर आपस में मिलकर बात करेंगे। अभी आपकी क्या मांग है जो सीएमओ सर से बात की? हमारी जो मांग थी वो पूरी हो गई, हमसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। और पुराना वाला ठेकेदार इतना अच्छा था ना कि उसने कभी हमसे 1 रुपया नहीं लिया, ना तो फॉर्म का ना ही किसी चीज का। लेकिन अभी इसको जुम्मा है, वो 1 दिन हुआ है और दिखा दी अपनी दड़ी, तो यहाँ पे कौन देगा? 250-300 लोग हैं जो हमारे जो क्लास 4 है, स्वीपर है, गार्ड है, 250 के है, बहुत सारे हैं। लेकिन आप ये कुछ सोचो, अगर हम इसको 25,200 रुपये देते तो यहाँ पे काम करते हैं? आप खुद सोचो। तो इसके डिमांड बहुत गलत है। तो भी क्या आपकी मांग है सीएससी में सबसे? हमने सर को यही बोला कि पैसे मांगे हैं, हमको नौकरी देने की जरूरत है, तो सर ने हमको यही बोला है कि मैं आपको पूरा आश्वासन देता हूँ, 1 रुपये नहीं देना और ना ही किसी की नौकरी चाहिए। अगर आश्वासन के बाद भी नहीं पैसे लिए आते नहीं मांगते हैं क्या चलेगा? तो दोबारा से हड़ताल, फिर से धरना। अगर हमारे अगर हम 250 लोग हैं, 250 में से अगर ये 10 को भी निकाल दें तो यहाँ पे 250 के 400 और खड़े कर देंगे हम, लेकिन हम 1 को भी नहीं हटेंगे, हम के साथ खड़े हैं बिल्कुल। और एक बात हमारी अभी भी रह गई है कि अब ये नया ठेकेदार जो भी आएगा ये अपने सुपरवाइजरों को रखेगा, तो हम कहते हैं कि हमारे जो पुराने सुपरवाइजर थे हमारे लिए वो ही काफ़ी हैं, नए नहीं रखे जाएं, क्योंकि नए बंदे जो भी आएंगे वो हमारी नहीं सुनेंगे और वो हमें वो उनकी सुनेंगे जो उनकी जेब गर्म करेगा, जो उनकी जेबें गर्म करेंगे वो उनकी सुनेंगे। और दूसरी बात, हमारे को अगर जो सुपरवाइजर चाहिए वो लड़का वो है पंकज, हमें पंकज इधर आ, पंकज राहुल ये दोनों सुपरवाइजर चाहिए। कैमरा इधर घुमा दो, इधर आ गया भाई, ये दो सुपरवाइजर चाहिए, ये दो तो हमें चाहिए ही चाहिए। अंकित भी साथ में चाहिए, मेरी बात सुनो, अरे भाई उसका भी चाहिए। रुको, इन लोगों को हम 8 साल से जानते हैं, हमारे सुपरवाइजर यही होने चाहिए, ये हमारे हित की लड़ाई लड़ने यहाँ पे है, फर्क नहीं पड़ता इनका ठेका चला गया है। लेकिन ये हैं, ये हमारे भाई लगा लो, अच्छे बंदे, कभी किसी से गलत नहीं बोलते, हमारी डिमांड ये है, बाकी तो देखो। अभी जिस बंदे को लगाया जा रहा है वो बंदा ऑलरेडी करप्टेड है, इससे पहले भी उसने पिछले ठेके में 2,000 रुपये सबसे पीएफ के नाम के पैसे लिए थे, और ना तो पीएफ आया ना पैसे रिटर्न दिए उसने, और भी बाकी चीज़ों में कईयों में उसने मंथली वगैरह पैसे के लिए ऑलरेडी करप्टेड पाए गए। और एक ही हमारा भाई राहुल, एक ये सुपरवाइजर होना चाहिए। राहुल अपना नाम बताओ। नाम राहुल है, मैं सुपरवाइजर हूँ। यही इतने अच्छे, कोई भी वर्कर कह दे कि मैं गलत हूँ तो मैं खुद ही नौकरी छोड़ के जाने के तैयार हूँ, लेकिन ये डिमांड हम जारी करेंगे। भाई मैडम भी है, मैडम आप भी आ जाओ ना, हमारी बात होगी, जो भी हमारी कमेटी का गठन होगा उसमें हमारी सबसे पहली मांग हमारे सुपरवाइजर की मानेगा ठीक है, नहीं मानेगा तो फिर से देखा जाएगा, फिर से हम ऐसे ही खड़े रहेंगे, क्योंकि हमें वही चाहिए जो हमारे लिए सही है, जो हमारे लिए सही है। हमारी सपोर्ट में देखो कितने बंदे, देखो मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, और नहीं तो इनको ठेकेदार को अगर सुपरवाइजर भी रखने तो भाई साहब वोट डलवा लो, अरे वोट डलवा लो।